सो हेलो अवरीवान तो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर नाइन्थ जी के पी वाई क्यू सीरीज़ का और एज़ यूजल हम लोग ट्वेंटी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू क्वेश्चन करने वाले हैं एंड विद डिटेल एक्सप्लैनशन और डिटेल एक्सप्लेशन से मुझे याद आया आप में से कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सर और टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल रहे थे कि सर सैटरडे संडे का ब्रेक दे दी दीजिए नहीं तो ऑल्टरनेट कर लीजिए बिकॉज काफ़ी सारे फैक्ट्स आप बता देते हैं जो कि हमें रिवाइज करना लिखना और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग मैं सभी लोगों का ओपिनियन चाहूँगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में तो उसी हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं उसको साथ साथ रिवाइज करते चलिएगा ठीक है अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीके में आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है तो आपको चीज़ें रिवाइज भी करनी है और जो है रिटन नोट्स है काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर हमें टाइम नहीं मिलता जैसे कि इस Uh, हम कहीं जॉब करते हैं कोई लोग जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा था कि बैंक पीओ में जॉब करते हैं ठीक है एज एज अ पीओ बैंक में जॉब करते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं मिलता या फिर और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो इसी वजह से मैं हैंड रिटेड नोट्स भी शेयर कर देता हूँ जो आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इसका पूरा पी अपलोड किया जाता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे खुद से मतलब नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा बिकॉज आपके ख़ुद के नोट्स होंगे और उनको पढ़ना समझना रिवाइज़ करना वो रिलेटिवली आसान होता है बाकी अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आप फिर जो handwritten नोट्स में अपलोड करता हूँ वो आप प्रेफर कर सकते हैं और बाकी यार ये सभी जो सेशंस चल रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए अभी एग्जाम्स आने दीजिए सी एच एस एल मेन्स होगा फिर एम टी एस होगा सी एच एस एल होगा सी जी एल होगा सारे एग्जाम्स में आप देखिएगा जितना भी हम लोग जी के पढ़ रहे हैं ठीक है आपको यहीं से चीज़ें मिलने वाली हैं और एक चीज़ की वीडियो के बीच बीच में कल थोड़ा सा ज़्यादा एड्स आ गई थी और उसका रीज़न ये था कि यूट्यूब जो है मैनु अपने आप से एड्स डाल देता है तो अभी मैं मैनुअली हटा दिया था सारे एड्स क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक भी ऐड नहीं लगाता हूँ वीडियो के बीच में ताकि आपका ज़रा सा भी क्योंकि वैसे ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो के बीच में एड्स जो है अब से आपको देखने को नहीं मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अगर YouTube लगा भी देता है तो उसको मैं हटा दूंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा विचो द तो फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेंबर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति ओनम या फिर बीकानेर फेस्टिवल अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अगस्त सेप्टेम्बर मनाया जाता है अब मकर संक्रांति कब मनाई जाती है खिचड़ी कब होती हैं जनवरी के टाइम पे होती हैं तो ये तो हो नहीं सकता है और पतंग भी हम तभी उड़ाते हैं यानी काइट फेस्टिवल भी हम तभी सेलिब्रेट करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता है बात अगर करें ओनम और बीकानेर फेस्टिवल में तो जो बीकानेर फेस्टिवल है वो भी आपका एक उत्तरा उत्तरायण है ठीक है काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति बीकानेर फेस्टिवल से उत्तरायण है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनम जो कि कहाँ मनाया जाता है किस स्टेट में मनाया जाता है केरला में और यहीं पे लगती है क्या बोट रेस यानी कि नौका दौड़ केरल में अब सर ये उत्तरायण क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं उत्तरायण का एक और एग्जांपल देता हूँ जैसे जो पोंगल होता है ना पोंगल कहाँ मनाया जाता है तमिलनाडु में ये भी उत्तरायण है और ये भी जनवरी के टाइम पर जो भी फेस्टिवल जनवरी के टाइम पर मनाया जाता है दैट इज़ उत्तरायण उत्तरायण का मतलब होता है उत्तर आना उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ आयन का मतलब आना तो ये किसके उत्तर के आने की बात हो रही है सन के उत्तर आने की बात हो रही है आपको पता है ये हमारा इक्वेटर है जो बीच मैंने ड्रॉ किया जो हमारे पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये हमारा 23 एंड अ हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ये है ट्वेंटी एंड अ हाफ डिग्री साउथ जिसको कि हम बोलते हैं मकर रेखा ठीक है हमारा जो सन है ये इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही हमेशा रहता है कभी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता और मकर रेखा के नीचे नहीं आता है और 21 जून को यहाँ पे चमकता है कल मैंने आपको बताया था 21 जून को डायरेक्टली ओवर रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और हमारा जो इंडिया है वो आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमस्फियर में या फिर इट टू बी वेरी प्रिसाइड नॉर्थ ईस्टर्न हेमेस्फेयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीचों बीच से गुजरती है अभी जब इक्कीस जून को होता है ना ये इक्कीस जून को यहाँ पे आता है और इसके ऊपर तो जाएगा नहीं यानी इक्कीस जून के बाद नीचे आएगा आएगा और मैंने आपको बताया था या फिर शायद मैंने आपसे कल पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब सन की ओवर एड्रेस पड़ती हैं तो ये दिन होता है 22 दिसंबर जिस दिन हम समर सॉरी विंटर सॉलिस्टेस मनाते हैं 21 जून को समर सॉलिस्टेस और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टेज और 22 दिसंबर हो गया और इसके नीचे भी नहीं जाएगा यानी बाईस दिसंबर के बाद ही ऊपर जाएगा तो जनवरी का टाइम इसी वजह से हम बोलते हैं उत्तरायण यानी कि अब सन का उत्तर आने का टाइम आ चुका है अब ये नॉर्थवर्ड सन का मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा ठीक अब यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ, ओवर है ड्रेस पड़ेंगी सन की इक्वेटर पे ऊपर पहुंचेगा तो 21 जून हो जाएगा और 21 जून से फिर जब लौटेगा तो यहाँ पे तो यहाँ पे यानी इक्वेटर में दो बार सन की ओवर हैड रेस पड़ेंगी और वो दो दिन हैं एक है 21 मार्च यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर और इन्हीं दोनों दिनों को हम इक्विनॉक्स के रूप में सेलिब्रेट सेलिब्रेट नहीं करते मतलब इक्विनॉक्स बोलते हैं इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल इक्वल क्या इक्वल डेज एंड नाइट्स यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं 21 जून को अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर वालों के लिए दिन बहुत बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है रात सबसे छोटी होती है और 22 दिसंबर को हमारे यानी कि नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रात सबसे बड़ी होती है दिन छोटा होता है और जो लोग सदर्न हेमेस्फेयर में रह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं सदर्न हेमेस्फेयर में रह रहे हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी क्लियर आगे बढ़ते हैं शाम जी कृष्णा वर्मा स्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस एट डैश इन 1905 जीरो फाइव श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना करी बॉम्बे पेरिस लंडन न्यूयॉर्क तो 1905 में इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना करी याद रखिएगा लंडन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिपेंडेंस के लिए फॉरन में बने थे यानी कि फॉरेन लैंड बने थे विदेशी सरजमी पे बने थे और उनमें से अगर आप एक रिकॉल कर पाएंगे जो मैंने आपको बताया था गदर पार्टी थी याद है आपको गदर पार्टी कब बनी थी कहाँ बनी थी किसने बनाई थी सारी चीज़ें रिकॉल आनी चाहिए आपकी 1913 में बनी थी ठीक है मैंने आपको बताया था गांधी जी के भारत आने से दो साल पहले किसने बनाई थी लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना ये सब लोग इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे और ये कहाँ बनी थी सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडकोार्टर रखा गया था सैन फ्रांसिस्को यू में ये बनी थी और इसी से आपको एक इंसिडेंट याद आना चाहिए जो मैंने आपको बताया था कोम गाटा मारू इंसिडेंट कोमागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम है कि जापानी जहाज का नाम है जो हांगकांग से कनाडा गया था कहां से कहां गया था हांगकांग से कनाडा गया था और जहां पे उनको रेशियल ट्रीटमेंट मिला था जिसकी वजह से वहां पे सारा पूरा इंसिडेंट हुआ था एक और आपको याद रखना है और ये फिर आपको पता होगा इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है जिसको हम आजाद हिंद फौज बोलते हैं ये किसने बनाया था याद रखना मोहन सिंह राज बिहारी बोस ने नहीं बनाया था अगर मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं होता है तो राज बिहारी बोस होगा फिर ठीक है आंसर लेकिन मोहन सिंह वो थे जिन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को लेके यानी वो क्योंकि उस समय से, से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ठीक है हम इंडियंस को जबरदस्ती ब्रिटेन वाले फ, फ, व, व, सोल्जर बना के आ, अपनी तरह से लड़ने के लिए भेज रहे थे तो जब जापान इनके खिलाफ था ब्रिटेन के खिलाफ तो जापानी क्या कर रहे थे जो भी प्रेज जो भी जो भी मतलब सोल्जर्स लड़ने आ रहे थे तो उनको वो कैप्चर कर लेते थे तो, तो मोहन सिंह ने बोला कि हमें दो क्योंकि हम भी ब्रिटेन से ही लड़ रहे हैं जिससे तुम लड़ रहे हो उससे एक्चुअल में वो तो हम मजबूरी में ना उनके अंडर में मजबूरी में हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर दो हम एक आर्मी तैयार करेंगे तो मोहन सिंह का कॉन्सेप्ट था याद रखिएगा सिंगापुर में बनाया था इसको कहाँ पे सिंगापुर में बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी को मोहन सिंह ने उसके बाद राज बिहारी बोस आए फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कमान दी ठीक और एक और था याद रखिएगा बर्लिन कमेटी ठीक है बर्लिन कमिटी याद रखिएगा इसको ये बनी थी 1915 में ठीक है 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये बनाए थे इस पार्टी को ठीक है चट्टोपाध्याय और ये कहाँ बनी होगी ऑब्वियस ही बात है बर्लिन जर्मनी में बनी होगी और जब मैं जर्मनी बोल रहा हूँ तो करंट अफेयर की मुझे एक न्यूज़ याद दिमाग में आ रही है और वो ये है कि अभी हाल ही में जो चाइना है वो दूसरा देश बना है विश्व का हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने वाला हाइड्रोजन ये पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आएगा आपके ठीक है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च करने वाला दूसरा देश बना है विश्व का और पहला एशियाई देश बना है तो पहला देश अब मुझे जर्मनी क्यों याद आया बिकॉज ये जर्मनी पहला देश था जिसने कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की और जर्मनी ने ही आपको पता होना चाहिए अभी हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता है अपने नाम किया है ठीक तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगर एक और आपसे पूछ लेता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ठीक है यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये बहुत सारी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनी थी लेकिन जो 1942 वाली थी वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूँ चलो रास बिहारी बोस ने बनाई थी उन्नीस सौ में वो तो मैंने खैर लिखी दिया है कहाँ पर टोक्यो में बनाई थी इन्होंने ठीक आगे बढ़ते हैं द अनंत राज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय दी डैश रूलर्स अनंत राज सागर जो टैंक है वो किस किन रूलर्स ने बनवाया था ये आपसे पूछ रहा है अब ये क्वेश्चन का आंसर आप कर ले जाएंगे अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा और ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्या बताया था विजयनगर किंगडम के बारे में हम लोगों ने दो बार पढ़ा एक पहले पढ़ा तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी और फिर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि विजयनगर किंगडम जो है अपने स्टेप्ड टैंक के लिए जाना जाता है किसके लिए अपने स्टेप्ड जैसे स्टेप करके मतलब सीढ़ियों में टाइप के होते हैं स्टेप्ड टैंक उनको बोलते हैं तो स्टेप्ड टैंक के लिए विजयनगर किंगडम जाना जाता है तो उससे आप, आप इसको रिलेट कर ले कर सकते थे कि टैंक किसने बनवाएंगे चाहे वो कोई सा भी टैंक हो ऑप्शन नंबर बी विजयनगर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत ही एक्यूरेट एकदम वही मिल अब जैसे अनंतराज सागर टैंक है आ जाएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट तुरंत कर दोगे लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे ही जो आपको रिलेट करके करने पड़ेंगे और बिल्कुल आप कर लेंगे उनको ठीक है जैसे ये कि भाई स्टेप टैंक सर ने पढ़ाया था कि विजयनगर किंगडम जो है इसके लिए फेमस है तो उससे आप रिलेट करके इसको कर सकते थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि कमालपुरम टैंक ठीक है कमालपुरम टैंक ये बनवाया था हमारे कृष्णदेव राय ने जिन्होंने जाम्बवती जाम्बवती कल्याणम लिखी थी किस लैंग्वेज में संस्कृत में लिखी थी जिन्होंने अमुक्त माल्यदा किस लैंग्वेज में लिखी थी अमुक्त मालदा किस में तेलुगू में जो तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तुलुव से जिनका टाइटल क्या था यावन राजप्रिया यवन राजप्रिया और जिनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ी ठीक है आगे बढ़ते हैं और बाकी तो विजयनगर किंगडम हम लोग पूरा खत्म कर ही चुके हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं आइडेंटिफाइन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले वाले रूप हैं जू प्लैंगटेंग जेलीफिश फाइटो प्लान्टन और एक चीज़ की आज मैंने आपके करंट अफेयर्स के भी दो क्वेश्चन इंक्लूड किए क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करिए तो बिल्कुल दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आज करंट अफेयर्स भी रखें और उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें करते चलेंगे जैसे कि स्टैटिक फिनिश कर रहे हैं कि एक टॉपिक आता है सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं वैसे करंट में भी करेंगे ठीक है और बस थोड़ा सा मुझे और टाइम मिलने दीजिए सी का एग्जाम खत्म ही वैसे मैं आपको और चीज़ें यहाँ पे करवाने वाला हूँ जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया ठीक है और बाकी थोड़े हॉट टॉपिक्स पे वीडियोस ये सारी चीज़ें भी आने वाली हैं ठीक है थीके? तो बस आप पढ़ाई करते रहिए जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ जितना आपको करवा रहा हूँ उतना ही करना आपको ठीक है तो आइडेंटीफाइन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स जू जेलीफिश फाइटो और फंगाई ध्यान से समझो अभी इसके बारे में हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना तो जू प्लैंगटन फाइटो प्लैंगटन फंगाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, है ना तो वो अभी हम देख लेंगे लेकिन अभी हम बात करेंगे जो समुद्री जीव होते हैं उनके बारे में ये हैं समुद्र ठीक है समुद्र में दो तरह के जीव होते हैं एक तो होते हैं फाइटो प्लैंगटन और एक होते हैं जू प्लैंगटन फाइटो का मतलब होता है प्लांट लाइक यानी कि पेड़ के जैसे समुद्री पेड़ होते हैं बस ऐसे समझ लो क्या होते हैं फाइटो प्लैंगटन समुद्री पेड़ होते हैं ठीक है जो कि अब पेड़ हमारे खाना कैसे बनाते हैं फोटो से खाना बनाते हैं ठीक है फोटो में क्या होता है फोटो में सी आती है ओ जाती है फोटो में क्या होता है फोटो में लाइट एनर्जी फोटो में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें केमिकल एनर्जी में ठीक है और इसमें फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इस रिएक्शन में छः ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ठीक है जहाँ पर ग्लूकोज ब्रेकआउट होता है और ये किसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स ये करते हैं क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है मैग्नीशियम मेटल होता है सारी चीज़ें फाइटोप्लैंकटन के लिए ट्रू हैं जितनी भी मैंने अभी चीज़ें बताई यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइटो आर ऑटोट्रॉफिक अब जैसे कि प्लांट्स पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं जानवर ठीक है हम एक तरह से एनिमल्स ही हैं चलो हम ह्यूमस मान लेते हैं ह्यूमन एनिमल्स सब किस पे डिपेंडेंट है हम प्लांट पे डिपेंडेंट है ना खाने के लिए तो हम हीट्रोटॉपिक हुए ऐसे ही समुद्र में जू प्लैंकटन जू का मतलब क्या होता है जानवर तो ये जानवर जो है ये डिपेंडेंट रहते हैं फाइटो प्लैंकटन पर तो बस समझ गए आप फाइटो प्लैंकटन क्या होता है जू प्लैंकटन क्या होता है अब तो मुझे ये बताओ फाइटो प्लैंकटन ऊपर होगा या जू प्लैंकटन ऊपर होगा मुझे बता दो जल्दी से तो फाइटो को ऊपर होना पड़ेगा क्यों ऊपर होना पड़ेगा उसका कारण भी समझ लो सन से अपना खाना बना रहे हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई सन लाइट जो है नीचे तक तो तैर एक नीचे हुए तो एकदम चीरते हुए नहीं जाएगी सनलाइट तो ऊपर ही रहेगी तो इसलिए फाइटो को रहना पड़ता है ऊपर ठीक है फाइटो प्लैंगटन रहते हैं ऊपर और जो जू प्लैंकटन्स होते हैं वो रहते हैं नीचे अब जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है फाइटो प्लैंगटन वगैरह मछलियों का खाना होता है फाइटो प्लैंगटन अब याद करो तुम ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका का पेरू का देश है ना ये है उसका वेस्टर्न कोस्ट और तुम्हें मैंने बताया था अलिनो के बारे में याद है अल, अल नीनो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से गर्म पानी यहाँ पे चला जाता है जब गर्म पानी यहाँ का यहाँ चला जाता है तो नीचे से ठंडा पानी आता है ठंडा पानी जब नीचे से आता है तो फाइटो जो थोड़ा ऊपर थोड़ा है लेकिन वो एकदम और ऊपर आ जाता है तो उसके पीछे पीछे मछलियाँ आ जाती हैं और जब मछलियाँ आ जाती हैं तो इससे यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश करती है और यही चीज़ इफेक्ट हो जाती है अनिनो में क्योंकि ये पानी उधर जाता नहीं है यहाँ से हट के तो फाइटो ऊपर आते नहीं है फ़िशेज ऊपर आती नहीं है इस वजह से वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री ख़राब हो जाती है और अनिनो के बारे में क्या पढ़ा था इसका इसको क्या बोलते हैं ये चाइल्ड क्राइस्ट इसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट ठीक है और अनिनो है क्या चीज़ इतना समझ लो कि शिफ्ट है आपका जो वार्म इक्वेटोरियल करंट है उसका ठीक है शिफ्ट ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट थीक? अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या बात कर रहे थे हम लोग आ, जू प्लैंगटन की तो आप समझ गए होंगे अब यहां पे जू प्लैंगटन्स क्या हैं जानवर हैं एक तरह से ठीक है और ये कहां पे रहेंगे बॉटम में तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर होगा इनको हम नेक्टन की कैटेगरी में भी रखते हैं नेक्टन क्या होते हैं सर नेक्टन वो होते हैं देखो तो दो तरह की चीजें होती हैं एक तो नेक्टन ठीक है समुद्र में दो चीजों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एक तो नेक्टन और एक प्लैंगटन नेक्टन और प्लैंकटन प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन प्लैंकटन क्या हुआ एक तरह से पेड़ वगैरह हुए नेक्टन मान लो जानवर वगैरह अब तुम मुझे बताओ कि पता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से एक्टिव स्विमर्स कौन से होते हैं और पैसिव स्विमर्स कौन से होते हैं तो नेक्टन्स क्योंकि जीव जंतु हैं तो अगर मान लो कि आपने वो पढ़ा होगा ना स्ट्रीम और स्पीड डिस्टेंस टाइम में स्ट्रीम करंट वाला पढ़ा होगा ना है ना कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम वाला तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है धारा अगर मान लो धारा इधर है तो अगर कोई आप जानवर बहना चाहे इधर को तो बह सकता है बिल्कुल बह सकता है लेकिन क्या पेड़ बह सकता है उधर को अगेंस्ट द स्ट्रीम नहीं जहां पर स्ट्रीम है जो डायरेक्शन में वहीं बहना पड़ेगा मतलब कि और ऐसा ही होता है प्लान के साथ दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एस पैसिव स्विमर्स ठीक है और नेक्टर्स को बोलते हैं एक्टिव स्विमर्स ठीक है एक्टिव स्विमर्स और एक चीज एक चीज और कि यहां पर जो भी चीजें आपकी डीप में रहती है ना जो भी चीजें आपकी डीप में रहते हैं उनको हम बोलते हैं बेंथिक ठीक है बेंथिक बोलते हैं और जो भी चीज़ें ऊपर रहती हैं उनको हम पैलेगिक बोलते हैं ठीक है और फाइटो हो चाहे जू हो दोनों आपकी किस कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं प्रोतीस्ता से बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम से हमें क्या याद आना चाहिए कि भाई जो हमारा पूरा जितने भी जीव जंतु हैं फिर जो फाइव किंगडम्स में जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था ये बस हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा देख चुके हैं मैंने आपको नोट्स से करवाया था इसको वाइट टेकर जी ने जो है वाइट टेकर ने क्या किया था इनको पांच किंगडम से बांटा था मोनेरा प्रोत्सता फंजाए प्लांटे एनिमेलिया ये पांच किंगडम्स से बताइए कब ये क्लासिफिकेशन किया था कौन से ईयर में तो उन्हीं में से एक है हमारा फनजाए फनजाई के रिगार्डिंग हमने क्या देखा था फनजाए के रिगार्डिंग हमने ये देखा था कि इसकी जो आउटर सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है सब नोट्स में आपके एडेड होगा है ना तो फिर से नोट नहीं करना है नहीं है तो फिर करना है और मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से स्टार्ट नहीं करना है लेक्चर वन से अगर जो भी कोई नया स्टूडेंट है तो लेक्चर वन से स्टार्ट करना है ठीक है तो फंगाई सेल वॉल जो है चिटिन की बनी होती है ये आपके पैरासिटिक और सेप्ट्रोट्रॉफिक होते हैं सेप्ट्रोट्रॉफिक 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 का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना वो खाना ढूंढता है और पैरासिटिक मतलब एक तरह से परजीवी इसके एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल हैं ईस्ट ठीक है मोल्ड्स ईस्ट मोल्ड मशरूम ठीक है ईस्ट मोल्ड मशरूम क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर और ये मैंने आपको बता दिया ना ये दोनों प्रोतिष्ठा से बिलोंग करते हैं ठीक है प्रोतिष्ठा से प्रोतिष्ठा के होते हैं यू कैरियोटिक होते हैं ठीक है यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है थीके? अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग और रबी क्रॉप्स ओनली निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की के फसलें हैं अगेन इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ठीक है यहीं से हमें क्वेश्चन रिपीट होते मिल रहे हैं अब स्पीड हमारी धीरे धीरे देखना आप कैसे इंक्रीज़ होगी और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे जब हम लोग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे ना क्योंकि मैंने आपको होता है पी वाई क्यू बार 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 वही रिपीट होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा है कि वो बार बार रिपीट होने लगेंगे और फिर हम लोग जो है नंबर ऑफ एम सी क्यूज़ बढ़ा देंगे अपने तो ये आपका सी जी एल में इसी बार आई थिंक से पहले दिन के सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था तो वेचो द तो फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली इनमें से रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है जिनमें दोनों पेयर जो मतलब जो पेयर है दोनों क्रॉप्स आपकी रबी होनी चाहिए मेज़ और पीज़ में पीस तो यानी जो मटर है वो तो आपकी रबी होती है लेकिन जो मेज़ है वो खरीफ होती है ठीक है ये खरीफ होती है कॉटन कॉटन क्या होती है कॉटन आपका खरीफ होता है तो ये भी नहीं होगा पैडी की बात करें पैडी मतलब एक तरह से धान चावल ये भी तो खरीफ ही होता है ज्वार खरीफ होता है वीट भले राबी होता है दोनों हमें खरीफ राबी चाहिए बार्ले ग्राम दोनों ही राबी होते हैं राबी खरीफ ज्यादा जल्दी से रिवाइज़ करते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राबी फ़सलें यहाँ पे करते हैं ठीक है राबी फ़सलें पहले रिवाइज़ करते हैं कि राबी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था राबी में हमने ये पढ़ा था कि इनको सो कब किया जाता है इनका मतलब कब सितंबर अक्टूबर में इनको सो किया जाता है यानी कि इनकी बुआई करी जाती है इनकी कटाई की बात करें हार्वेस्टिंग की बात करें मार्च अप्रैल के टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है और इनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनके एग्जाम्पल जैसे कि मस्टर्ड हो गया लिन सीड हो गया ठीक है थोड़ा सा पता है ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मेज मेज़ कैसा नाम है मेज़ आपका एक हिंदी नाम है ना जवार जवार बाजरा जवार बाजरा हम लोग करते रहते हैं ना तो जवर हो गया बाजरा हो गई तो ये कैसे हैं ये हिंदी नाम है तो ऐसे याद रख लो हिंदी नाम जो है थोड़े से खरीफ टाइप होते हैं ठीक है मतलब थोड़ा सा रिलेट करके ही आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि कितने सारे एग्जाम्पल हैं बार्ले थोड़ा सा इंग्लिश नाम लग रहा है ग्राम थोड़ा सा इंग्लिश नाम लग रहा है पीज़ मस्टर्ड ठीक है पीज़ मस्टर्ड लिंसीड ठीक है ये सब ठीक है रेप सीड ये सब कैसे नाम लग रहे हैं आपको इंग्लिश नाम तो थोड़े से अंग्रेजी टाइप नाम किसके होते हैं राबी क्रॉप्स के होते हैं है ना आपका गेहूँ भी इसी में आता है आपको पता होगा वीट में ठीक अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पता नहीं दिमाग में आ रही तो आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने विंटर रेनफॉल के बारे में कल पढ़ा था और विंटर रेनफॉल किस टाइप ऑफ क्रॉप के लिए बस सूटेबल होती है तो याद रखना रबी क्रॉप्स के लिए खासकर जो गेहूँ के लिए जो सर्दियों की बारिश होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ठीक अब हमने फिर पढ़ा था खरीफ के बारे में खरीफ़ के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि खरीफ को हम मानसूनी फसलों के नाम से जानते हैं मानसून क्रॉप्स के नाम से जानते हैं और इनकी बुआई करी जाती है मानसून के टाइम पे यानी कि जून जुलाई के टाइम पे इनकी बुआई करी जाएगी और इनकी कटाई कर दी जाएगी सितंबर अगस्त सितंबर या फिर सितंबर अक्टूबर के टाइम पर और इसके एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि कॉटन हो गया ठीक है जवार हो गया ठीक है और आपका इसमें पैडी यानी कि चावल भी हो गया ये सारे क्या हैं आपके मेज़ हो गया ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं खरीफ के और एक जो बीच का शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है उसको हम जायद बोलते हैं जो कि आपका जून जुलाई फिर मई जून के टाइम पे जो शॉर्ट सा क्रॉपिंग सीजन रहता है उसको हम जायद में रखते हैं जायद में आपको खीरा ककड़ी यानी कि ककम्बर हो गया वाटर मिलन मस्म और जो आपका फॉर्डर क्रॉप हो गया आपके कैसे इसी में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना प्रीवियस ईयर का तो फॉर्डर फॉर्डर किसके अंदर आएगा चारा जैद में आएगा ठीक है फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन यूथ ओलंपिक्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पे खेला गया था ये आपसे सवाल पूछ रहा है लौसान ना, ना, नाजिंग इंसब्रक या फिर सिंगापुर तो याद रखना यूथ ओलंपिक गेम्स खेले गए थे सबसे पहले सिंगापुर में ऑप्शन नंबर डी कब हुआ था दो में हुआ था सिंगापुर में ठीक अगला वाला जो दो वाला है वो यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ होगा याद रखना सेनेगल में होगा सेनेगल कहाँ पड़ता है कोई बताएगा सेनेगल ये आपका हुआ कि सेनेगल कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है सेनेगल अब हम यहाँ पे कुछ और फर्स्ट की बात कर लेते हैं फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स तो देख ले तो फर्स्ट ओलंपिक्स कब हुए थे ठीक है तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब हुए थे ये हुए थे आपके 1896 में एथेंस ग्रीस में ठीक है एथेंस ग्रीस में हुए थे ये और इससे इनसे आपका हो सकता है पूछ ले कि पहले ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या था तो याद रखना सिटीस ठीक है अजीब है सिटियस ऑल्टियस और फॉल्टियस। इसका मतलब पता है क्या होता है इसका इंग्लिश में मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर ये होता है इसका मतलब बात अगर करें अगर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स की बात करी तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे कब हुए थे फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1924 में कहाँ पे हुए थे चैमोनिक्स नामक जगह जो कि पड़ती है फ्रांस के अंदर ठीक है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ये हम लोग आई थिंक पहले देख चुके हैं हैमिल्टन कनाडा में आपको ये बताना है कब हुए थे हैमिल्टन कनाडा में ये कब हुए थे पहले आपके कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट एशियन गेम्स की अगर बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स तो ये हुए थे आपके 1951 फिफ्टी वन से हमारे कंट्री दिल्ली में ही हुए थे ये ठीक है दिल्ली में ही हुए थे और फर्स्ट फीफा भी याद रख लो बिकॉज अभी फ़ीफा वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है रिसेंट में तो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था तो ये 1930 में 1930 में हुआ था यूरोवे में यूरोगवे में और यूरोगवे ने ही ठीक है यूरोगवे ने ही फीफा वर्ल्ड कप को जीता भी था कहाँ कंट्री पड़ती है ये आपकी साउथ अमेरिका में कंट्री पड़ती है ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालय निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है घाघरा गंडक यमुना या फिर कोसी अब यहाँ पे इंडियन हिमालय क्यों क्योंकि यार तुम्हें लग रहा होगा यार घाघरा गंडक यमुना कोसी सब तो इंडिया की रिवर्स हैं सब तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है गंगा की सहायक नदी है तो इंडियन हिमालय को पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे आप आपको मैंने आपको पूरा हिमालय का एक्सटेंट बताया था है ना हिमालय का मैंने आपको पूरा एक्सटेंड बताया था कि यहाँ से लेके पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश तक है और सिर्फ इंडिया में नहीं है नेपाल हो गया भूटान हो गया आपका तिब्बत वाला पार्ट हो गया यहाँ पे हिमालय फैले हुए हैं क्योंकि हिमालय सिर्फ़ एक रेंज नहीं है हिमालय की काफ़ी सारी रेंज है एक तो है ट्रांस हिमालय जो एक्चुअल में हिमालय का हिस्सा नहीं क्योंकि हिमालय बनने से पहले ही वो बन चुकी थी फिर यहाँ पर हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा फिर लेसर हिमालय पढ़ा फिर यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पे हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा फिर यहाँ पे हमने लेसर हिमालय पढ़ा और फिर यहाँ पे हमने शिवालिक पढ़ा है ना तीन रेंजेज पढ़ी थी और उसके रिगार्डिंग सब कुछ देख लिया था चलो एक फैक्ट रिवाइज़ करते हैं कि इसका हमने ये पढ़ा था जो ग्रेट हिमालय है जिसको इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है उसकी उसमें हाइएस्ट पीक देखने को मिलती है ठीक है उसमें से जो उसकी वेस्टर्न मोस्ट पीक है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत और जो उसकी ईस्टर्न मोस्ट पीक है उसको बोलते हैं नामचा बरवा उसको हम किस नाम से जानते हैं नामचा बरवा के नाम से जानते हैं अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सर ये गंगा नदी है हमारी ठीक है हमारे देश की नेशनल रिवर है जो कि 2008 में नेशनल रिवर डिक्लेयर की गई थी गंगा नदी को इसकी ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा है अब ट्रिब्यूटरीज को भी सहायक नदियों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं एक तो उसको जो लेफ्ट से ज्वाइन करती है और एक उसको जो राइट right से ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये कैसे करते हैं जैसे गंग गंगा ऐसे फ्लो कर रही है तो गंगा के डायरेक्शन में खुद को रख दो गंगा का लेफ्ट क्या होगा ये तो जो लेफ्ट से ज्वाइन कर, right कर, right कर रही है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो राइट से ज्वाइन कर रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे पहले आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर जरा फोकस करिए राम गंगा घाघरा गंडक कोसी और यहाँ पे एक और है महानंदा ये है गंगा की ट्रिब्यूटरीज लेफ़्ट बैंक वाली और अगर हम राइट बैंक की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी राइट right बैंक और सबसे बड़ी ओवरऑल भी यमुना है ठीक है जो इसको कहाँ पे मिलती है प्रयागराज में मिलती है ठीक है और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अब हम डीप में नहीं जा रहे हैं फिर यहाँ पे एक इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन जो कहाँ से निकलती है याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था सोन निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है नर्मदा भी निकलती है जो वेस्टर्न साइड में फ्लो हो जाती है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इंडियन हिमालय से निकलती है ये क्या जहाँ से घाघरा निकल रही हुई क्या इंडिया का पार्ट है क्या नहीं एक्चुअल में ये ग्लेशियर है याद रखना घाघरा निकलती माप चा चूनगो ग्लेशियर से कहाँ से निकलती है माप चा चूनगो हिमनद या फिर ग्लेशियर से निकलती है गंडक की बात करें ये भी तिब्बत हिमालय से निकलती है कोसी की अगर बात करें तो ये भी आपके नेपाल के पास से ये तिब्बत हिमालय से निकलती है आपके नेपाल हिमालयास के पास से और ये भी आपके तिब्बत हिमालय से निकलती है ठीक है इंडिया से कोई रिवर नहीं निकल रही है और इंडिया से कौन सी निकल रही है अगर हम ध्यान से देखें यमुना यमुना की अगर हम बात करें तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर के बंदर पुंछ रेंज से यमुनोत्री नहीं पूछेगा तुमसे क्योंकि यमुनोत्री पूछ लेगा तो फिर बचा ही क्या तो बंदर पुंछ ग्लेशियर या फिर बंदर पुंछ रेंज आपसे पूछेगा कि जहाँ से निकलती है आपकी यमुना ठीक है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाकी अगर हम बात करें जो आपकी आँ... जो घाघरा रिवर है ठीक है घाघरा को ध्यान रखना इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम शारदा के नाम से जानते हैं शारदा और उसको हम आ, काली के नाम से भी जानते हैं काली इसकी एक ट्रिब्यूटरी है शारदा जिसको हम काली के नाम से जानते हैं और ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है मतलब एक ऐसी बाउंड्री जो बाउंड्री मतलब जैसे एक तो जैसे कि ये बाउंड्री है, है ना ये रेड क्लिफ़ लाइन बोलते हैं ठीक है रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं इसको तो ये ड्रॉ की गई ये कोई ड्रॉ नहीं की ये नेचुरल बाउंड्री बन गई ये काली रिवर से और ये निकलती पता है कहाँ से ये निकलती है काला पानी नामक टेरिटरी है नेपाल की और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काला पानी डिस्प्यूट में रहता है काला पानी टेरिटरी भारत और नेपाल के बीच में नेपाल थोड़ा सा चाइना के पास में है ना तो चाइना से दोस्ती कर करके ये सीख गया बाकी तो कुछ सीखा नहीं कि हर चीज़ को क्लेम करता फिरता रहता है ये हमारा वो हमारा है ये नहीं कि चौकीदारी करें आराम से शाप साब जी साब जी करके ना टेरिटरी क्लेम करेंगे काला पानी टेरिटरी पे अपना क्लेम जता रहा है वहीं से निकलती है घाघरा नदी ठीक है और कोसी जो है ना कोसी तीन नदियों से मिलकर बना अगर कभी आपसे पूछ ले कि कौन अरुण कोसी ठीक है संकोशी ठीक है संकोशी और एक है तामूर इन तीनों नदी से मिलकर बनती है और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से ये यहाँ पे अगर शायद आप देख पाएंगे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे आइए बंगाल बें, के पास में ठीक है बंगाल में यहाँ फरक्का देख पा रहे हैं फरक्का से गंगा तो निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ लेकिन एक और नदी से टूट के अलग हो जाती है और उसको बोलते हैं हुगली और जो टूट के अलग होती है उस वो ऐसी रिवर्स को डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं जो मिलती है उसको ट्रिब्यूटरी और जो अलग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी तो हुग, हुगली जो है फरक्का से गंगा से अलग हो रही है और हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर दामोदर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ा था कि दामोदर भी नर्मदा तापी की तरह है क्या वेस्ट फ्लोइंग होती है नहीं ये तो ईस्ट फ्लोइंग ही है लेकिन ये रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहती है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की नहीं है ये हुगली की है और हुगली क्या गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं गंगा से अलग हुई है तो ये हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी हुई उसकी ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाकी कोई और क्वेश्चन आएगा तो गंगा के और थोड़ा डीप में देख लेंगे कि कौन सी नदी गंगा से कहाँ मिलती है सारी चीज़ें ठीक है बाकी तो यार ये थोड़ा सा देख लो जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि चंबल की ट्रिब्यूटरीज होती हैं सॉरी हाँ तो ये आप देख सकते हो बानस जो है ना वो आपकी चंबल की ट्रिप्यूटरी है और ये चंबल यहाँ से निकलती है मऊ फ्लैटिव है ठीक है इंदौर के पास ये मऊ नाम माओ फ्लैटिव यहाँ से चंबल निकलती है काली सिंध पार्वती चंबल की ट्रिप्यूटरीज हैं सिंध बेतवा और चंबल खुद सिंध बेतवा केन ये आपकी किसकी ट्रिप्यूटरीज हैं यमुना की है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से वाइटामिन ए वन टू सी डी एस्कॉर्बिक एसिड रेटिनॉल कोबालामीन और एर्गो कैल्सीफरॉल तो इसको मैच करना है आपको तो ये हम लोग विटामिन पर सारे फैक्ट्स देख चुके हैं कि विटामिन ए का क्या नाम है साइंटिफिक नेम क्या है इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल के नाम से तो फर्स्ट का बी हो जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व को हम साइनोकोबाला मीन के नाम से जानते हैं विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं तो बी सी ए डी हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी इस बार सी जी एल पहले दिन का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का ये सवाल है आपका ठीक है और हमने विटामिन से क्या क्या पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज़ करते हैं हमने वाइटमिनस को दो कैटेगरी में बांटा था लेकिन उससे भी पहले वाइटमिन की डिस्कवरी किसने की थी ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे डिस्कवरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बाकी चीज़ों की भी डिस्कवरी मैं आपको बता सकूँ तो वाइटमिनस की डिस्कवरी किसने की थी याद रखिएगा कैसीमिर फंक ने ठीक है कैसीमिर फंक ने डिस्कवरी की थी याद ऐसे सॉरी फंक लिख दिया ठीक है कैसीमिर फंक ने डिस्कवरी की थी तो इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे एक डब्ल्यू का के रेस्ट है ना सी एम पंक या फिर आई थिंक था पहले है ना तो उससे करके कुछ रिलेट कर सकते हो कि भाई वो वाइटमिन की खोज उसने की थी ठीक है कैसमीर फंक ने इसकी डिस्कवरी की थी अब बाकी डिस्कवरीज हम देखेंगे लेकिन बाद में पहले हम देख लेते हैं कि वाइटमिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी एक तो जो फैट सॉल्यूबल वाइटमिन होते हैं और दूसरे जो वॉर सोल्यूबल वाइटमिन होते हैं ठीक है, फैट सोल्यूबल को हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील वाटर में तो फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल बस आप याद रखो बीसी आप बीसी वर्ड का यूज बहुत करते रहते ना अपने दोस्तों के साथ तो वो वाटर सोल्यूबल है वाइटामिन बी और सी और जितने भी बच गए कौन बच गया केड़ा कीड़ा बच गया कीड़ा मतलब विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए ये सब फैट सॉल्युबल है हमने डिजीजेस भी देख लेने जल्दी से विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है बी से क्या होता है सी से क्या होता है डी से क्या होता है तो ए से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोप होता है बी से आपको पता है बी के काफी सारे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं लेकिन जो बीवन है उसकी वजह से आपका बेरी बेरी होता है ठीक है ये मैं थायमिन लिखे दे रहा हूँ बीवन का B1 का मैं केमिकल नेम लिखे दे रहा था ना वो होगा आपका बेरी बेरी तो इसके सबके केमिकल नेम आप याद रखिएगा जो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के जितने भी हैं जैसे B1 को हम बोलते हैं थायमिन ठीक है B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन तो ऐसे करके आप सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम जो मैं आपको पहले याद करवा चुका हूँ ये होप आपको रिवाइज होंगे ठीक है बी वन और बी का ही यूजअली पूछता है जैसे बी का थायमिन इसका राइबोफ्लेविन और बी का हो जाता है आपका साइनोकोबालामिन ठीक है तो और बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी सी की कमी से होता है स्कर्वी और आपसे ऐसे पूछे कभी कि भाई स्किन में रैशेज़ पड़ रहे हैं स्किन खराब हो रही है ठीक है और आपके जो मसूड़ हैं उनसे खून आ रहा है गम से ब्लीडिंग हो रही है तो कौन से वाइटामिन की कमी होगी सी की कमी होगी अगर पूछ ले बोन हेल्थ अगर खराब हो रही है हड्डियों की अगर हेल्थ खराब हो रही है तो किसकी कमी होगी वाइटामिन डी की वाइटामिन डी की कमी होगी हो क्योंकि वाइटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर बोन हेल्थ के लिए और इसकी कमी से क्या होता है रिकेट्स नामक डिजीज़ होती है क्वेश्चन ये पूछ चुका है हम लोगों ने प्रीवियसर में देखा था कि इनमें से किस में वाइटमिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा मिलेगा तो भाई सनलाइट तो होता ही है वो तो लेकिन अब पूछता नहीं क्योंकि सबको पता है सनलाइट सूरज की रोशनी वाइटामिन डी मिलता है लेकिन फिश ऑयल याद रखिएगा ये ऑप्शन में था फिश ऑयल में सबसे ज्यादा आपका वाइटामिन डी होता है आफ्टर सनलाइट ठीक है वाइटामिन ई e से क्या होता है वाइटामिन ई e की कमी से होता है एंटी स्टेरिलिटी ठीक है जिसको हम बांझपन हिंदी में बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी और वाइटामिन ई e में याद रखना कि याद रखना है कि कैल्सीफेरॉल होता है वाइटामिन डी का आ, अल्टरनेटिव नेम और वैसे ही वाइटामिन ई e का होता है टोकोफेरॉल क्या रखोगे टोको फिरॉल और जो स्प्राउट होते हैं ना यानी कि जो अंकुरित चने वगैरह या फिर सारी चीज़ें दालें तो उसमें वाइटामिन काफ़ी मिलता है वाइटामिन सी जो हमें सिट्रस फ्रूट में काफ़ी देखने को मिलता है वाइटमिन ए और सॉरी वाइटामिन सी जैसे कि आपका आंवला हो गया खट्टी चीज़ें उनमें देखने को मिलता है और वाइटमिन के की कमी के वजह से क्या होता है वाइटमिन के की कमी से आपको जानते हैं कि आपका पहली बात तो इसका जो आल्टरनेटिव नाम है वो है फिलॉक्यूनॉन ठीक है और इसी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और खून का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी और आपकी और डेथ भी हो सकती है डिस्कवरी हमने देखा कैसमीर फंक ने की वाइटमिन्स की ठीक है अब हम यहां पे बात करते हैं भाई किसने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की किसने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की किसने ब्लड ग्रुप की खोज की ठीक है चलिए यही देखते हैं पहले तो ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने ठीक है विलियम हार्वे ने इसकी खोज करी और ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंड सॉरी कार्ल लैंड स्टीनर ठीक है कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज करी और ब्लड ग्रुप आपको पता है ब्लड ग्रुप सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दो चीज़ें कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको दे सकता है वो कौन होता है ओ पॉजिटिव और जो सबसे ले सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर दैट इज़ ए बी पॉजिटिव और एक बार एस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार लैंड स्टीनर यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ कार लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कब करी थी तो याद रखना ये डिस्कवर किया था नाइनटीन में उन्नीस में क्लियर है आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और अच्छा आप ये बताइए जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उसकी खोज किसने की थी उनका नाम ए से चालू होता है और जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं क्या एंटीबायोटिक्स वो हम किन तरह की डिजीजों से लड़ने के लिए लेते हैं ये हम ले, लेते हैं बैक्टीरियल बीमारियों से लड़ने के लिए ठीक है एक बार क्वेश्चन आया था आपके में और सी में तो हर बार ऑलमोस्ट आता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वायरल बीमारी के ख़िलाफ़ क्यों काम नहीं करती हैं तो इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स करती क्या है जो बैक्टीरिया सेल वॉल बनाती हैं उसको बनाने नहीं देती हैं बैक्टीरिया को सेल वॉल ठीक है यानी कि वो पाथवे जो बैक्टीरिया फॉलो करता है खुद को बनाने के लिए उसको ब्लॉक कर देता है अब वायरस वो पाथवे लेता है नहीं ऐसे समझो कि इस पाथ से बैक्टीरिया आते हैं तो यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया चौकीदार घुस ही नहीं पाएंगे बैक्टीरिया लोग लेकिन वायरस तो ये वाला रास्ता लेता है तो ये तो किसके लिए काम ही नहीं कर पाएगा सिंपल तो ये जो है सेल वॉल नहीं बनाते वायरस इसी वजह से वो वाला पाथवे नहीं लेते हैं इसी वजह से एंटीबायोटिक्स वायरल बीमारियों के खिलाफ काम नहीं करती हैं ठीक है इन वट फॉर्म इज़ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बॉडी वी ईट स्टोर्ड इन आर बॉडी हम जो भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप से संचित होती है तो आई थिंक अभी हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा नहीं है तो खैर उससे का उतना ज़्यादा लेना देना है नहीं थोड़ा बहुत लेना देना है लेकिन जब डाइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो सारी चीज़ें हम डीप में देख लेंगे लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज नहीं होगा इसका आंसर क्यों ग्लूकोज जो होता है ना ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे रक्त में दौड़ रही है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ठीक है ग्लूकोज और ये डिफरेंस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ये है कि ग्लाइकोजन एक तरह का कॉम्प्लेक्स सुगर है या फिर इसको हम बोल सकते हैं है ठीक है पॉली सेक्राइड है वहीं पे अगर हम बात करें ग्लूकोस ये क्या है ये आपका मोनोसेकराइड है मोनोसेक्राइड मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है इसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हो ग्लूकोस को एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज़ स्टोर्ड इन आर बॉडी अगर इसको काट के मैं ये लिख दूँ इन वॉट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट प्लान्स स्टोर मतलब प्लांट्स किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं तो ग्लाइकोजन की जगह स्टार्च आंसर हो जाता तो या देखना प्लांट्स केस में जो ये एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है ठीक है ये जो माल्टोस है ये सुगर है एक तरह की जो कि तुम्हें अनाज में देखने को मिलेगी किस में अनाज में सीरियल्स में देखने को मिलेगी गेहूँ वगैरह में ये माल्टोज़ ही देखने को मिलती है अब ये जो ग्लूको ये जो ग्लाइकोजन है ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में किसमें ब्रेक होता है ग्लूकोस में और याद रखना चाहिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइको ग्लाइको जेनोलिसिस ग्लाइको इस प्रोसेस को बोलते हैं जहां ग्लाइकोजन ग्लूकोस में कन्वर्ट होता है ठीक और ये जो ग्लूकोज होता है फर्दर कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में किस में कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में जो रेस्पिरेशन होता है ना रेस्पिरेशन क्या होता है रेस्पिरेशन वो वो चीज़ होती है जहाँ से हमारी जो सेल्स होती हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक करती हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम एनर्जी मिलती है खाना खाने से क्यों ग्लाइक्रोजन के फॉर्म में स्टार हुआ स्टोर हुआ खाना टूटा ग्लूकोज में ग्लाइकोजे ग्लाइकोजेनोलिसिस बोला फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज जो कि छः कार्बन का मॉलिक्यूल होता है छः कार्बन इसमें होते हैं पायरोवेट में टूटता है जो कि तीन कार्बन का मॉलिक्यूल होता है कहाँ पे टूटता है पूछता है तो ये साइटोप्लाज्म में टूटता है कहाँ टूटता है साइटोप्लाज्म में टूटता है और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस इसको बोलते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इस चीज़ को जहाँ ग्लाइकोस पायरोवेट से टूटता है और जब ये टूटता है ना तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं

लेकिन एनर्जी के अलावा क्या बनता है तो यहाँ पे आपका वाटर और सीओ टू ठीक है वाटर सीओ टू एनर्जी जब और इसको क्या बोलते हैं कौन सा फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की एकदम एब्सेंस में होता है और यहाँ पे याद रखना यहाँ पे आपका एनर्जी बनता है प्लस यहाँ पे एथेनॉल बनता है वाटर की जगह और लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है ऑक्सीजन है तो लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में और याद रखना ये हमारी मसल सेल्स में होता है जब हम बहुत तेज़ भाग के आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछता जब बहुत जोर का भागते हैं तो मसल्स में क्रैम्प डेवलप हो जाता है वो क्यों डेवलप हो जाता है क्योंकि हमारी मसल में ये वाला रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड ठीक है लैक्टिक एसिड वही एसिड है जो आपका दही में देखने को मिलता है दूध या दही जो आपके मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है तो ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है एनर्जी तो मिलती मिलती है लेकिन लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प डेवलप होता है अगले पे आते हैं द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन द ईयर पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था ये आपसे सवाल पूछ रहा है तो ऑप्शन है 1881, 1872, 1860 या फिर 1900 तो याद रखिएगा 1872 इसका आंसर नहीं होगा पहला अठारह सौ में हुआ था लेकिन कंप्लीट सेंसस नहीं था अगर पूछ ले फर्स्ट कंप्लीट सेंसस फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस आंसर 1881 होगा यही दोनों में बस डिफरेंस है अठारह वाला हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जिसको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है हमारे यहाँ पे फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है ठीक है मेयो को और जो 1881 वाला हुआ था ये रिपन के टाइम पे हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था रिपन के टाइम पे और भी क्या काम हुए थे रिपन के टाइम पे याद रखना कि इसने वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था अठारह में इसी के टाइम पे हुआ था ठीक एटीन 1882 में हंटर कमीशन जो बैठा था शिक्षा के लिए हंटर कमीशन जो है एजुकेशन के रिगार्डिंग बैठा था अठारह में वो भी इसी के कार्यकाल के दौरान ही बैठा था ठीक है तो यहां पे और इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये वो इसी के टाइम पे हुई थी याद देखना अगर पूछ ले इल्बर्ट बिल जब हिस्ट्री का कोई और आएगा तो वहां पे हम लोग समझेंगे इल्बर्ट बिल ये सब क्या है तो बस नोट कर लो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है रिपन के टाइम पे ही हुई थी ठीक है तीन चीजें तो यहां पर एटीन में इसके टाइम पर पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था और किस सेंसस कमिश्नर अभी सर सेंसस क्या होता है जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर ये 2011 का ही पॉपुलेशन क्यों पूछता है हमेशा क्वेश्चन में तो क्योंकि उस समय सेंसस हुआ था सेंसस क्या होता है जब जनसंख्या की गणना की जाती है ये हर 10 साल में करी जाती है एवरी टेन इयर्स में करी जाती है सबसे पहली वाली करी गई थी उन्नीस में नाइनटीन में आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है और उसका जो स्लोगन था स्लोगन भी आपसे पूछ सकता है सॉरी इसका नहीं इसका तो नहीं पूछेगा आपसे याद रखो जो अभी लेटेस्ट वाला हुआ था लेटेस्ट वाला कब हुआ था तो लेटेस्ट वाला हुआ था 2011 में फिर 2010 11 में हुआ था और ये आपका पंद्रहवा नंबर का सेंसस था और इसका स्लोगन आपसे पूछ सकता है स्लोगन इसका था आवर सेंसस आवर सेंसस आवर फ्यूचर ठीक है आवर सेंसस आर फ्यूचर ये इसका जो है स्लोगन था अब यहाँ पे सवाल ये बनेगा जो कि पक्का बनेगा कई बार एग्जाम में बन चुका है कि अट्ठारह सौ इक्यासी में जो हुआ था पहला सिंक्रोनाइज ऑफ कंप्लीट सेंसस उस समय से सेंसस कमिश्नर कौन था डब्ल्यू सी प्लॉडन था डब्ल्यू सी प्लॉडन जो है सेंसस कमिश्नर इसके टाइम पे यह पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था और इंडिया में किसको जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से किसको जानते हैं तो याद रखिएगा ये जानते हैं हेनरी वाल्टर ठीक है हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है और एक चीज़ कि भारत पहला देश है पूरे विश्व का जिस जो कि जिसने कि फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया यानी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने वाला पहला देश है दुनिया का हमारा इंडिया ये चीज़ आपको बस इसमें याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इन नाइनटीन जीरो एट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पे हुआ ठीक है तो ये मद्रास ढाका सूरत बॉम्बे आसान सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ढाका में हुआ नाइनटीन जीरो सिक्स में किसने किया नवाब सलीम उल्ला ने नवाब सलीम उल्ला और इसमें आगा खां भी इन्वॉल्व था ठीक है जिन्ना ने नहीं किया था बस इतना ध्यान रखना ठीक है और क्यों हुआ था 1906 याद करो इससे पहले क्या हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था बंगाल का पार्टीशन हुआ था बंगाल पार्टीशन हुआ था और बंगाल पार्टीशन किसने किया था ये अभी हम डीप में नहीं देख रहे हैं बंगाल पार्टीशन बस थोड़ा समझ रहे हैं कि अंग्रेजों की डिवाइड और रूल की पॉलिसी थी कि भाई उनको बांटो और राज करो ठीक है तो फूड डालो राज करो तो फूड डल चुकी थी मुस्लिम्स ने इसी वजह से क्या हुए मिंटो से मिले मिंटो वही है याद करो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस जिसने कि पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन दिया इसीलिए इसको फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह से भेदभाव को डेवलप किया लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड तो नहीं लगाना चाहिए इसके नाम क्या है मिंटो ने ठीक है तो इसने किया तो इससे मिले और यहाँ पर मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना करी इन लोगों ने अब मुस्लिम लीग तो हम लोगों ने देख लिया बाकी भी हम पार्टीज़ देख लेते हैं जो हमने पहले ही देख चुके हैं जैसे कि हम लोगों ने सी के बारे में पढ़ा है हमने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा है जल्दी से आपको रिकॉल आना चाहिए बाकी अगर कांग्रेस के बारे में तो आई थिंक जानते हो कि कांग्रेस को चलो सबसे ऊपर लिख लेते हैं ठीक है कांग्रेस को सबसे ऊपर लिख लेते हैं और हमने क्या पढ़ा था और हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब कांग्रेस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो डीप में देख लेंगे यहाँ पे बस थोड़ा सा बेसिक टच करेंगे ठीक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आपका एक ऑल इंडिया किसान सभा या फिर ऑल इंडिया किसान पार्टी ठीक है और चलिए इतना ही देख लेते हैं अभी ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक भी चलो कर लो ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं तो रिवाइज कर रहे हैं बस कांग्रेस अठारह में बनी थी 1885 में बनी थी पूछ लेता इस समय गवर्नर जनरल कौन था या फिर वॉइस रॉय कौन था तो याद रखना है इस समय था डफरिन ठीक है डफरिन इस समय जो है वॉइस रॉय की पदवी पे था पहला गवर्नर सॉरी पहला प्रेसिडेंट और कांग्रेस का चेयरमैन ये सब हम लोग किसी और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे सीपीआई पी का बना था 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में लेकिन फॉर्मलाइज 1925 में कहाँ पे हुआ था कानपुर में ये फॉर्मलाइज हुआ था किसने पार्टी को बनाया था एम एन रॉय ने इस पार्टी को बनाया था स्वराज पार्टी की बात करें उन्नीस में बना था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू और अजमल खान भी इसमें थे सी आर दास मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर थे सीआर दास पहले प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के जिसको ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बोलता और मोतीलाल नेहरू इसके पहले सेक्रेटरी थे ठीक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो उन्नीस सौ नाइनटीन थर्टी फोर में पार्टी बनी थी किसने बनाई थी ये जे पी नारायण जयप्रकाश नारायण जी हो गए आपके आचार्य नारायण देव जी हो गए आपके मीनू मसानी हो गए इन लोगों ने इस पार्टी का गठन किया था ऑल इंडिया किसान सभा की अगर बात करें तो और ये फिर ऑल इंडिया किसान पार्टी तो ये शहजानंद सरस्वती ने 1936 में किसने बनाई थी शहजानंद सरस्वती और ये जो कांग्रेस का फैजपुर सेशन हुआ था ना कांग्रेस का जो फैजपुर का अधिवेशन था वहाँ पर बनी थी हमारी किसान पार्टी शहजानंद सरस्वती क्लियर और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें उन्नीस में नाइनटीन में बनी थी किसने बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी सेशन कांग्रेस के, के त्रिपुरी सेशन के बाद ठीक है चलिए कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप देने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाई द रूलर ऑफ विजय लाया इन कावेरी डेल्टा तो विजय लाया के बारे में आपने पढ़ा है विजय ला के बारे में आपने ये पढ़ा है कि ये चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे चोला डायनेस्टी ने कहाँ से कहाँ रूल किया ये है हमारी चेरा ये है चोला यह पांड्या ये कल हमने लोगों ने संगम एज में सब पढ़ा था ना संगम में तो भाई कावेरी का डेल्टा कहाँ बनेगा भाई कावेरी नदी तो ये ऐसे करके जाती है तो इसका डेल्टा यानी इसका मुहाना यहाँ पे होगा यानी कि जो चोलास के पास है ठीक है या फिर आप विजय लया विजय लया करके सोच लो थोड़ा दिमाग लगा लो चोला के बारे में बात हो रही या फिर कावेरी डेल्टा पढ़ के समझ लो कि कावेरी का डेल्टा यहाँ बनेगा और यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे चोला और भाई चोलास की कैपिटल हम लोगों ने क्या पढ़ी थी चोलास की हम लोगों ने कल कैपिटल पढ़ी थी उरायूर ठीक है और तंजौर भी सी कैपिटल रही थी तो बताइए मदुरई तो कैपिटल किसकी थी पांड्याओं की थी है ना पांड्या की कैपिटल थी वंजी किसकी कैपिटल थी बताइए वंजी कैपिटल थी चेराओं की कल हम लोगों ने देखा था चेरा की कैपिटल थी ठीक है मुजरिस टोंडिस ठीक है ये हमने पढ़ा था क्या मुजरिस और टोंडी ये क्या थे पोर्ट थे चेरा किंगडम में ठीक है तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता है इसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो आंसर इसका होगा तंजावुर ठीक है तंजा या फिर तंजावुर ये विजय लगा विजय लिया ने जो है कावेरी डेल्टा में इसकी स्थापना करी थी एक्चुअल में इन्होंने एक रूलर था उसको हरा के यहाँ पर यह चीज़ को इस्टाब्लिश किया था और उसका नाम था यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ ठीक मु है मुतारिया मु रेयर ये एम यू है ठीक है मु था रैर ठीक है मुथारैर उसका नाम था और एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि जो सिटी ऑफ पूहड़ है ये किस चोला शासक ने इसको स्टैब्लिश किया था करई काल ने ठीक है करई काल ने इसको स्टैब्लिश किया था सिटी ऑफ पूगढ़ को अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्स पीटर्सबर्ग टू व्लादी वॉट्सकॉ इस सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादी से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली कौन सी है ट्रांस बालकन ठीक है या फिर ट्रांस बैकाल रेलवे ठीक है बैकाल से क्या याद आ रहा है बैकाल सी याद आना चाहिए बैकाल सी हमारा डीपेस्ट सी है ठीक है सबसे गहरा सागर है बैकाल सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे द अल्ताई रेलवे या फिर द अमूर तो आपको पता है ये है आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि पूरे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट क्या है सबसे लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है कितना लंबा है ये रेलवे सिस्टम 11000 तकरीबन 11260 किलोमीटर जो है ये लंबा है और कहाँ पर पड़ता है ऑब्वियस ही बात है रशिया में पड़ता है और बस इसमें आपको इतना याद रखना है अब यहाँ से मुझे याद आ रहा है अभी करंट की न्यूज़ थी कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन अभी चली है स्विट्ज़रलैंड में कितनी लंबी है ये तकरीबन 1900 मीटर है तकरीबन 1900 मीटर इसकी लेंथ है जो स्विट्ज़रलैंड में और स्विट्ज़रलैंड से और मुझे मुझे करंट का न्यूज़ याद आ रहा है और वो है कि इंडिया स्विट्ज़रलैंड का फ्रेंडशिप अम्बेसडर किसको बनाया है ठीक है फ्रेंडशिप अम्बैसडर कौन बने हैं या फिर गुडविल एम्बेसडर हम बोल सकते हैं गुडविल एम्बेसिडर कौन बने हैं तो ये बने हैं हमारे ओलंपिक्स के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा जी ये भी चीज याद रखिएगा ठीक अच्छा है अच्छा बताइए स्विट्जरलैंड के कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सन्यास लिया था अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंग मेल तरंग मेल एसोसिएटेड लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है तरंगमेल नाम पढ़िए कैसा लग रहा है आपको ऑप्शंस क्या हैं गोवा एमपी केरला तमिलनाडु तो भाई केरल तमिलनाडु ऑप्शन में ये क्या कुछ साउथ इंडिया का नाम लग रहा है तरंगमेल है पन्नो अन्नो ऐसे करके डबल जिसमें कोई डबल लेटर्स वाला वर्ड होता है वो होता है आपका केरल और तमिलनाडु का ये साउथ इंडिया का नाम तो नहीं लग रहा है नहीं ये, ये दो ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो बिना पढ़े हुए भी आंसर क्या होगा आंसर इसका गोवा होगा गोवा का ये डांस है तरंगमेल चलिए हम लोग कुछ और डांसेस यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए जैसे आंध्र प्रदेश के कुचीपुड़ी और कोटम ये तो आई थिंक पता होगा आपको ठीक है अब कोटम से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कोलम कोलम करंट में था न्यूज में था जो ये भी पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ये हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे देश का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन लोगों को पता है संविधान के बारे में पता है कॉन्स्टिट्यूशनलीस्टरेट डिस्ट्रिक्ट बना है देश का और ये कहाँ पर है याद रखिएगा ये केरल में है ठीक है केरल में असम का है आपका ओजापली बिहू बिहू सबको पता होता है लेकिन ओजापली जो आपको नहीं पता है उस पर फोकस करना है ठीक है असम का है ओजापली और अंकिया नाट अरुणाचल का है आपका लैंड एंड पीकॉक डांस चालो और पोपिर और बर्दो छाम और अजी लामू ये अरुणाचल के हैं यही यूजुअली पूछता जाता है आपका अरुणाचल के होगा और साउथ इंडिया के मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और साउथ इंडिया के बिहार का आपका जाट जाटा जाटिन फगुन पूर्वी और विदेशिया छत्तीसगढ़ का आपका पंथी राउत नाचा गुजरात का आपका डांडिया रास गरबा अभी सीजियल में ही पूछा गया था पहले दिन की सेकेंड शिफ्ट में ही इनमें से कौन सा डांस गुजरात का नहीं है तो डांडिया रास दिया था गरबा दिया था और एक आपका और कोई आई थिंक रसीला करके कोई ऐसा डांस दिया गया था और एक आपका विदेशिया दे दिया था तो विदेशिया कहाँ है विदेशिया आपका बिहार वही आपको पता लगाना था कि बी से विदेशिया और बी से बिहार गरबा भावनी रसीला और त्रिप्पण ये कहाँ का है गुजरात का गोवा के आपके फुगड़ी देखमिनी तरंग मेल जो अभी हमने देखा और ढालो ये हैं आपके गोवा के तो जो जो इसमें आपको नहीं आते हैं उस पर आपको फोकस करके याद करना है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट आउट इनर्शिया फिजिक्स से क्वेश्चन है जड़ता के बारे में सही कथन की पहचान कर रहे हैं आपको इनर्शिया इनर्शिया वर्ड हम कहाँ पे सुनते हैं इनर्शिया वर्ड हम सुनते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में किसमें सुनते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने तीन लॉ ऑफ मोशन दिए थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट क्या बोलता था फर्स्ट ये बोलता था कि एवरी बॉडी विच इज मतलब कोई भी बॉडी जो है अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा एनी एनी बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ विच इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन विल बी विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि कोई चीज़ चल रही है तो जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो रुकेगी नहीं जैसे कोई बॉल है उसको रोल कर रहे हैं वो रुक क्यों जाती है क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से ठीक है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बोला था और इस, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं क्यों अब मान लेते हैं ये बॉल है एक क्रिकेट बॉल है और एक हम फुटबॉल ले फुटबॉल ले लेते हैं और एक पत्थर की बॉल ले लेते हैं फुटबॉल कितनी बड़ी किसको रोकने में तुम्हारी ज्यादा दम लगेगा इसको रोकने में ज्यादा दम लगेगा क्यों क्योंकि इसका मास ज्यादा है इसका इनर्शिया ज्यादा है इनर्शिया इज अ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट इनर्शिया वो चीज़ है जो किसी बॉडी पॉजिस्ट करती है जो अपने स्टेट को resist करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये चल रहा था रोकने में मैं ज़्यादा दम लगा ठीक है तीनों रुकी हुई हैं किसको चलाने में ज़्यादा तुम्हें दम लगेगा इसी वाली को क्यों क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा अपने स्टेट ऑफ मोशन को बहुत तेज बहुत भयंकर रूप से रेजेस्ट करेगा तो मास इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इनर्शिया यानी ग्रेटर दी मास ग्रेटर द इनर्शिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई सी बॉडी में फोर्स लगाओगे बल लगाओगे तो उसमें त्वरण डेवलप होगा एक्सीलरेशन डेवलप होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और थर्ड लॉ ऑफ मोशन सभी जानते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है ना एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आपके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जैसे रोइंग ऑफ बोट हो गया है ना जो आपका रोइंग बोट हम रो करते हैं ठीक है नाव चलाते हैं या फिर स्विम करते हैं या फिर जो आपका रॉकेट जाता है रॉकेट क्या कैसे कैसे इसमें काम करता है कि जो भी आपका गैसेस वगैरह होती हैं वो नीचे को भागती हैं और इसी वजह से वो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है ठीक है और रॉकेट में आपका लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का भी कॉन्सेप्ट काम करता है जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेंगे कि रॉकेट में आपका लीनियर मोमेंटम का रेखीय संवेग का भी काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे अगर आप बस में बैठे हुए हैं बस रुकी हुई है एकदम से चलती है तो आप पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं या फिर बस चल रही है एकदम

यम पल्ली या फिर दाव जाली हार्डिंग यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है आप देखो बात कर रहा है ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहा है चाइना म्यांमार की तो आपको क्या लग रहा है कौन सा इसमें चाइनीज टाइप थोड़ा सा नाम लग रहा है गुफ्र लग रहा है पयियम तो भाई साउथ का नाम लग रहा है पयियम तो साउथ का नाम है और एक्चुअली में साउथ का है और पयियम पल्ली सबको याद आना चाहिए कि आप पयोली पयोली क्यों याद आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है ये आपका होमवर्क है बताइए पयोली एक्सप्रेस से किसको जाना जाता है जिनको अभी हाल ही में इन जो कि अभी बनी है पहली महिला अध्यक्ष इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और साथ ही साथ पहली नॉमिनेटेड मेंबर बनी है राज्यसभा की जिनको वाइस चेयरपर्सन के पद पे मतलब वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है ठीक है ये आपको बताना कौन है ठीक तो मेहरगढ़ बात करें ये आपका पड़ता है जम पाकिस्तान में ठीक है गुफ्र जो है ये आपका पड़ता है जम्मू और कश्मीर में नियोलिथिक साइट है इंडिया इंडस वाली सिविलाइजेशन की एक नियोलिथिक साइट है ठीक है और या इसका आंसर क्या होगा दावजली हार्डिंग यही तो नाम लग रहा है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का तो यही होगा थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग भी लगा देते तो भी आपका आंसर आ जाता अब ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ब्रह्मपुत्रा के पास की साइट्स तो यहाँ पे अभी पहले वर्ल्ड की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट बनी है नॉर्थ ईस्ट में ही कोई नाम बता सकता है उसका वर्ल्ड की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट ये बनी है मामलू केव्स मामलू केव्स मामलू की गुफाएं जो कहाँ हैं उसी राज्य में है जहाँ गारो खासी जयंतियां हैं उसी राज्य में है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है मोहसिन राम ये है आपका मेघालय ठीक है मेघालय में मामलू केव सभी फर्स्ट जियोरिटी साइड बनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और अच्छा आपसे पूछता हूँ भीम बेटका केव्स कहाँ आपको देखने को मिलती हैं तो ये भी नोट कर लीजिएगा जो भीम बेटका की गुफाएं हैं ये आपको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दी ए आई बी ए बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशन दाउट्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ डैश मेट्स ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन जो करवाता है आपका बॉक्सिंग जूनियर लड़के और लड़कियों की प्रतियोगिता में नावों में कितने मिनट का सॉरी बाउट्स होगा यहां पर बोट्स कर दिया है उसने इंग्लिश uh, में हिंदी में करने में गूगल ने ठीक है तो बोट कितने मतलब बाउट जो होता है वो कितने मिनट का प्रत्येक राउंड होना चाहिए बाउट होता क्या है मतलब एक फाइट होता है जैसे आपने देखा होगा ना दो बॉक्सर्स के बीच में एकदम से कट 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 -कर, कर बहुत भयंकर हो जाता है और फिर रेफरी बीच में आता है बस 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 यहीं तक हो गया अब अगला बाउट होगा तो वो एक चीज़ होता है वो उसको हम बोलते हैं बाउट और ये यूनियर वाले में दो मिनट का होता है बाउट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा बाउट ठीक है और आपको ये पता होना चाहिए कि, कि इससे टर्म्स आपको जो रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से जैब हो गया ठीक है हुक हो गया याद रखना दो टाइम याद रखना जैब और हुक आपके बॉक्सिंग से संबंधित है अब जब मैं बॉक्सिंग बोलता तो मुझे और भी कुछ चीज़ें याद आती हैं मुझे याद आता है निखत जरीन का नाम क्यों क्योंकि हाल ही में जो वर्ल्ड वेमेंस की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो अभी कॉन्क्लूड हुई है न्यू दिल्ली में ठीक है बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई है और यहाँ पे निखत जरीन दूसरी ऐसी भारतीय महिला बन चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते हैं निखत जरीन जो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं जरा बताइए निखत जरीन ठीक है जरीन क्लियर है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं आपको पता ना साउथ इंडिया का एक स्टेट है ठीक है इंड दे राम आपको और इनके अलावा और भी गोल्ड मेडल मिले हैं वो मिले हैं नीतू गंगास को ठीक है नीतू गंगास को और लवलीना लवलीना बॉर्ग को ठीक है जो आपकी मिजोरम से बिलोंग करती हैं सॉरी मणिपुर से बिलोंग करती हैं लवलीना बॉर्ग हैं इनको मिला है नीतू गंगास को और निखत जरीन को मिला ये दूसरी ऐसी महिला बन चुकी है जिन्होंने दो लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली कौन थी पहली थी हमारी मैरी कॉम जी ठीक और क्या याद आना चाहिए आपको इससे हाँ याद आना चाहिए कि आपका जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था अभी कहाँ पर हुआ था अम्मान जॉर्डन में अम्मान सिटी या जॉर्डन में वहाँ पे हुआ था और वहाँ पे हमारे शिव थापा जी सिल्वर मेडल लेके आए हैं और सिल्वर मेडल लेने के साथ ही एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में छः मेडल लाने वाले पहले वर्ल्ड के पहले बॉक्सर बन चुके हैं शिव थापा ऐसे आप पूछ सकते हैं शिव थापा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट ऐसे करके ठीक कर है अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है सारे मौलिक अधिकार सब कुछ हम देख चुके हैं क्या क्या देख चुके हैं जल्दी है से रिवाइज करते हैं कि फॉ मौलिक अधिकार लिए कहाँ से हैं यूएसए से लिए हैं कौन से पार्ट में पार्ट नंबर थ्री में है आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक में इनके बारे में दिया फंडामेंटल राइट right के बारे में जब संविधान बना था तो सात थे अभी प्रेजेंट टाइम में छः हैं जो एक हटा है वो कौन सा है राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार हटा है कौन से अमेंडमेंट से हटा है फोर्टी अमेंडमेंट से हटा है कब हुआ था ये उन्नीस में हुआ था अब कहाँ पर है ये तीन ए में है इसका लीगल इसका अब स्टेटस क्या है ये एक लीगल राइट है विधिक अधिकार है और छः के छः सारे हमने फंडामेंटल राइट देखे थे पहला था राइट टू तो इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार चौदह से लेके उन्नीस तक सॉरी चौदह से लेकर अठारह तक फिर उन्नीस से लेके हमारे पच्चीस उन्नीस से लेकर बाईस तक हमारा था राइट टू तो फ्रीडम उन्नीस से लेके क्या था उन्नीस से लेकर बाईस तक क्या था राइट टू फ्रीडम था आज़ादी का अधिकार था फिर उसके बाद हमारा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर तेईस और चौबीस फिर पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया था फिर उनतीस और तीस में दिया हुआ कल्चरल और एजुकेशनल राइट right, ठीक है सांस्कृतिक हमारे अधिकार दिए हुए हैं और फिर हमने अनुच्छेद बत्तीस पढ़ा था जो है हमारा क्या जिसको हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अंबेडकर जी ने ठीक है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता करता है जिससे कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिजर्व्ड हैं जिससे हमारी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है अनुच्छेद नंबर बत्तीस से और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद का यूज़ करके हाईकोर्ट रिट जारी करता है ये आपको बताना है तो ये हमारे छः फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है और इसको क्या बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल थर्टी टू को राइट टू वोट कोई एक अधिकार नहीं कोई एक मौलिक अधिकार नहीं कि नहीं राइट टू वोट है हमारा ठीक है वोट वोट आप कर सकते हैं वोट से आपको क्या देना चाहिए कि वोटिंग एज जो है इक्कीस से अठारह डिक्रीज़ करी गई थी कौन से अमेंडमेंट से सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट से जो नाइनटीन एट्टी एट में हुआ था इससे आपकी वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था और इक्कीस साल न्यूनतम आयु मिनिमम एज कहाँ का चुनाव लड़ने के लिए है तो पंचायत या फिर नगर पालिका का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं म्यूनसिपैलिटी का तो मिनिमम एज आपकी इक्कीस होनी चाहिए ठीक है लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं पच्चीस साल राज्यसभा का लड़ना चाहते हैं तीस साल राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राज्यपाल बनने के लिए पैंतीस साल उम्र चाहिए होती है ठीक है ये सारी चीज़ देख चुके हैं वट वॉज अब ये दो लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं वट वॉज इंडियाज़ रैंक इन हॉकी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हॉकी विश्व कप दो हजार तेईस में भारत की रैंक क्या थी तो ये वाला जो वर्ल्ड कप हुआ दो हजार तेईस में हमारे इंडिया के उड़ीसा में ही हुआ है दो शहरों में हुआ है उड़ीसा के एक तो भुवनेश्वर में हुआ है ठीक है जो यहाँ की राजधानी कैपिटल है और एक वहाँ पे हुआ है जहाँ पे हमने देखा था कि एक स्टील प्लांट सेटअप किया गया था रावर केला केला से क्या याद आना चाहिए केला से याद आना चाहिए जर्मनी ठीक है जर्मनी याद आना चाहिए क्योंकि जर्मनी की सपोर्ट से हमने रावर केला में स्टील प्लांट सेटअप किया था ड्यूरिंग दी सेकेंड फाइव ईयर प्लान है ना तो यहाँ पर यहाँ पर दोनों जगहों पर हुए थे और ये जीता था किसने ये जीता है जर्मनी ने जीता है किसको हरा के जीता है ये बेल्जियम को हरा के जीता है इंडिया हमारा बहुत ख़राब परफॉर्म किया इस बार अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर डी दसवें पोजीशन पे रहा और इसी वजह से जो कोच थे ग्राहम ग्रीड उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया तो आपसे ये भी पूछ सकता है किसने रिज़ाइन कर दिया था इंडियन कोच ने इंडियन हॉकी टीम के कोच ने ग्राहम ग्रीड ने रिज़ाइन कर दिया और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हाँ इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मैस्कॉट क्या था यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मैस्कॉट क्या था तो उड़ीसा जो है अगर आपको थोड़ा सा ओडिशा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य जो है ये ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है तो ऑलिव रिडले टर्टल्स को हमने शॉर्ट में बोला ओली और ओली जो है यहाँ का क्या था मैस्कॉट था ठीक आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के दैट इज फर्स्ट फीमेल रेफरी इन अ फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच में पहली महिला रेफरी तो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और फीफा वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में जर्मनी वर्सेस कोस्टा रिका और उस मैच में पहली फीमेल रेफरी बनी है हमारी स्टेफनी मैगमोहन नहीं स्टेफनी फ्रेपार्ट ये कौन है बताइए जरा स्टेफनी फ, फ्रेपार्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा इससे पहले कि फीफा के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें दीना बुलॉर्ते ये पेरू देश जो अभी हम देख रहे थे जोग्रफी में उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ये सारे करंट के ही हैं ऐसे नहीं कि बहुत टाइम पहले बनी थी अभी नवंबर दिसंबर के टाइम की सारी हैं ठीक है मैनुएला रोका बोटी की बात करें ये जो आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल गिनिया नामक देश है अफ्रीका का वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ठीक है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है ये मोनवेला रॉका बोटी इक्वेटोरियल गिनिया की फीफा की अगर बात कर लें आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था 2022 का कतर में हुआ था जीता किसने अर्जेंटीना ने जीता ठीक है वॉन बाई अर्जेंटीना पहले जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब मोटी मोटी चीज़ें है वो हमें देखनी है फिर जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो और थोड़ा डीप में देख लेंगे ठीक है फीफा वर्ल्ड कप में कि मतलब किसक हरा के जीता तो आपको पता होना चाहिए किसको आया फ्रांस को हरा के जीता ठीक है फ्रांस को हरा के जीता और अर्जेंटीना का एक तीसरा टाइटल है ठीक है पहला वाला यूरोगवे ने जीता था हम लोगों ने देखा था जो पहला आपका हुआ था यूरोगवे ही हुआ था और फ्रांस को हरा के जीता और इसमें हाँ आपका जो पूछ सकता है कि मैस्कॉट क्या था ठीक है मैस्कॉट तो लाइबा ठीक है ये इसका क्या था लाइबा जो है ये आपका इसका मैस्कॉट था और अगर इसमें बात करें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्डन बूट ठीक है गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल ये अवार्ड किसको मिला तो गोल्डन बूट याद रखना ये मिला किलियन एम्बापे को किलियन एम्बापे को मिला जो कि फ्रांस के ही हैं और इस इन्होंने जो फाइनल मैच था उसमें हैट्रिक और फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले ये मतलब पहले फुटबॉलर बन चुके हैं ठीक है वर्ल्ड कप के फाइनल में और इन्होंने आठ गोल दागे जो सबसे ज़्यादा गोल थे गोल्डन बॉल की बात करें तो ये अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिले ठीक है लियोनल मेसी और क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ पे बन सकता है कतर हो गया अर्जेंटीना बाकी ये तो मैंने आपको चीज़ें बता ही दी बाकी और कोई अगर फर्दर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे लेकिन अभी के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी हैं ठीक है तो चलिए अब क्वेश्चन ऑफ़ द डे देख लेते हैं लेकिन ये लाइबा नहीं हुआ ठीक है लाइब होगा ठीक है लाइव बड़ा अजीब सा है खैर बस इतना आपको याद रखना है तो क्वेश्चन ऑफ़ द डे चलो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने रंजी ट्रॉफी के रिगार्डिंग पूछा था उसका आंसर सौराष्ट्र होगा ठीक है सौराष्ट्र होगा कल वाले क्वेश्चन का आंसर बंगाल के हरा को हरा के सौराष्ट्र जो है रणजी चैंपियन है तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा चलो ये बता दो अगला वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा किस कंट्री में होगा ये आपको बताना है तो चलिए आज के लेक्चर हमारा खत्म होता है अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और ये पी आपको परमार एस एस टेलीग्राम पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आपको मिल जाएगी थैंक यू